भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित और मैं आज आप लोगों को जेम के बायर के आईडी पे यूजर कैसे क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम जो आता है आपके सामने वो है .gov का ईमेल आईडी का नाम। तो यदि आपके पास HOD का ईमेल आईडी ऑलरेडी है, उनका लॉगिन हो चुका है, तो आप कैसे यहाँ पे HOD का ईमेल आईडी से या HOD के यूजर आईडी से आप खुद का ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, उनका रोल कैसे देंगे, उसको कंसाइनी का ऑर्डर देना है, रोल देना है या फिर बायर का देना है या फिर पेमेंट अथॉरिटी का देना है, POA का देना है, या आप कैसे डिसाइड करेंगे, या फिर कोई डिविजन कैसे बनाएंगे। जैसे कि कहीं पर भी यदि पंचायत समिति की बात करता हूँ, वहाँ पे BDO सबसे HOD होता है और उसके नीचे ग्राम सेवक और सरपंच होते हैं, तो उनका आप आईडी कैसे क्रिएट करें। उनके पास ना .gov का ईमेल आईडी होता है, ना गवर्नमेंट का कुछ डिटेल्स होता है। तो इस क्षेत्र में आपको एक वहां पे ईमेल आईडी आपको मिलेगा, वो ईमेल आईडी मिलेगा @jmk डोमेन का। तो .jm का डोमेन, जो jm का डोमेन है उसका आप ईमेल आईडी किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये भी सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यूजर आईडी क्रिएट करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस मिलेगा आपको यूजर का, तो मैं यहाँ पे यूजर पे चला जाऊंगा। यूजर पे आने के बाद आपके पास ऑप्शन है एड सेकेंडरी यूजर, मैनेज पोस्ट, मैनेज डिविजन और जेम ईमेल आईडी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एड सेकेंडरी यूजर पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आपको सेकेंडरी यूजर क्रिएट करना है तो मैनेज पोस्ट, यदि आपको पोस्ट क्रिएट करना है, डिवीजन क्रिएट करना है तो डिवीजन, और ईमेल आईडी यदि क्रिएट करना है तो ईमेल। तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी क्रिएट करता हूँ, क्रिएट जेम बायर ईमेल आईडी। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी क्रिएट होने के लिए ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आपके पास .nic और .gov, ये यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो कैसे क्रिएट करेंगे। इसके लिए जनरली 48 आवर्स या 2 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, रोल डालना है, उसको किस तरीके का रोल देना है, बायर का देना है, कंसाइनी का देना है, बायर एंड कंसाइनी दोनों का देना है, या पेमेंट अथॉरिटी का देना है, या DDO का देना है, या फिर पेमेंट अथॉरिटी एंड DDO का दोनों का देना है। यहाँ पे आपके पास रोल हो जाता है, मोबाइल लिंक टू आधार, आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उनका, जिनका यूजर आईडी बना रहे ईमेल आईडी के लिए क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे उनका, वही आपको मोबाइल नंबर यूज करना है, सिटी और स्टेट ये सब आपको डालना है। ये डालने के बाद इसको सबमिट कर, जैसे ही सबमिट करेंगे ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपका 48 आवर्स में इसको अप्रूवल के लिए टाइम लगेगा। तो आपको इसके बारे में पता कैसे चलेगा, जो इसका यूजर आईडी कैसे क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, या फिर उनका अप्रूवल मिला या नहीं मिला, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूजर लिस्ट, यहाँ पे आने यूजर लिस्ट में आपको देखिए इस तरीके से आपका यूजर आईडी क्रिएट हो चुका है। यूजर आईडी आपको क्रिएट होने के लिए आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से बायर एंड कंसाइनी का दिया है, कौन से डिपार्टमेंट को दिया है, ये सब ऑप्शंस मिल जाएगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका कब क्रिएट हुआ, ये यहाँ पर ईमेल आईडी आपको एक मिलना चालू हो जाएगा। ये एक ईमेल आईडी मिलेगा, स्टेटस अप्रूव हो चुका है, कोई रीजन नहीं है, कब क्रिएट हुआ है, ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। जब आपको ये ईमेल आईडी मिल जाएगा तो आप ये ईमेल आईडी के साथ कॉपी कीजिए और नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड में चले जाते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में जाने के बाद फिर से यूजर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा नोटिफिकेशन का। सबसे पहला यहाँ पे मैं डिविजन क्रिएट करूँगा, तो यहाँ पे मैनेज डिविजन, जो कहाँ पे यूजर को क्रिएट करना है, तो न्यू डिविजन, यदि आपके पास है पहले से डिविजन तो आप उस डिविजन पे क्रिएट कर सकते हैं, यदि नया बनाना है तो न्यू डिविजन पे क्रिएट। न्यू डिवीजन के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एड्रेस, जो ये नया जो डिवीजन बनाना है उसका एड्रेस क्या रखना है। एड्रेस सेम एज ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले आपका HOD का आईडी है वही उसका ही एड्रेस का सेम एड्रेस लेगा, तो आप इसको टिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरा एड्रेस फिल हो जाए। यदि आपको नया डिवीजन बनाना है, नया एड्रेस देना है, तो आप इसको टिक कीजिए, डिवीजन का नाम डालिए, कौन सा डिवीजन है, जैसे कि आपका पंचायत समिति कहाँ है, पंचायत समिति जो भी XYZ है वो डालना है, पिन कोड डालना है, स्टेट डालना है, स्टेट एड्रेस डालना है, GST नंबर मैंडेटरी नहीं है, और इसको ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड कर देंगे आपके नाम का एक डिवीजन बन चुका होगा। फिर आपको यहाँ पे ऐड सेकेंडरी यूजर पे आना है, यहाँ पे मैनेज पोस्ट का भी ऑप्शन है, आप यहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं या सेकेंडरी यूजर पे आप डायरेक्ट
क्रिएट कर सकते हैं सेकेंडरी यूजर। तो यहाँ पे रोल सबसे पहला कौन सा रोल के लिए आपको देना है, रोल में क्रिएट रोल, आप यहाँ पे नया रोल भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट मैनेजमेंट का है। यहाँ पे क्या है आपका डेजिग्नेशन क्या है वो डालिए, डिविजन डालिए, रोल डालिए। रोल डालते वक्त आपको याद रखिए बायर और कंसाइनी जो है आप सबको अलग अलग आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। आपके पास बायर और कंसाइनी को आप किसी एक को दे सकते हो, किसी एक यूजर को बायर और कंसाइनी का ऑथोरिटी दे सकते हो, पर एक ही यूजर को आप तीनों ऑथोरिटी यहाँ पे नहीं दे सकते, बायर का भी, कंसाइनी का भी और पेमेंट ऑथोरिटी का भी, ये तीनों नहीं दे सकते। बायर और कंसाइनी को आप दे सकते हैं किसी एक को, या फिर कंसाइनी एंड पेमेंट अथॉरिटी को नहीं दे सकते। इन शॉर्ट आपको पेमेंट अथॉरिटी अलग से बनाना पड़ेगा, पेमेंट अथॉरिटी के लिए अलग यूजर आईडी चाहिए। और जब तक आप यहाँ पे दो यूजर नहीं बना सकते हैं, मतलब बायर कंसाइनी और पेमेंट अथॉरिटी का सबको नहीं दे देते अलग अलग, इन शॉर्ट आप दो यूजर नहीं बना लेते जहाँ पे एक को अथॉरिटी क्या रहेगा बायर और कंसाइनी का इस तरीके का, और दूसरे और एक यूजर को पेमेंट अथॉरिटी, तब तक ये पोर्टल आपका एक्टिवेट नहीं होगा, ये डिवीजन एक्टिवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको एक को आपको बायर और कंसाइनी का देना है, या फिर आप तीन यूजर क्रिएट करेंगे तो तीनों को अलग अलग रोल भी आप दे सकते हैं, पर पेमेंट अथॉरिटी आपको अलग ही रखना पड़ेगा। रोल हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे कंसाइनी पूरा डिटेल्स डालना है, यूजर आईडी, यूजर आईडी आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैं डालता हूँ पंचायत समिति एबीसी, जो भी नाम है वो आप डाल सकते, तो ये आपका ये यूजर आईडी क्रिएट हो जाएगा, या फिर सरपंच एबीसी उनका नाम, सरपंच एबीसी ऐसा भी आप क्रिएट, जैसा आपको यूजर आईडी रखना है वैसा आप यूजर आईडी रख सकते हैं। ऑफिशियल मेल आईडी, ऑलरेडी हमारा मेल आईडी हो गया था क्रिएट, तो हम यहाँ पे इस तरीके से मेल आईडी डाल, ये डालने के बाद एड पोस्ट कर देंगे, ये हमारा पोस्ट होके यूजर क्रिएट हो जाएगा। जब यूजर क्रिएट हो जाएगा तो आप इसको लॉग आउट कर देता हूं मैं, और फिर आपको यहाँ पे साइन अप पे जाना है और बायर के आईडी पे क्रिएट करना है। इसके आगे का जो प्रोसीजर है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं उसके आगे का प्रोसेस किस तरीके से आपको नया आईडी बनाने का क्रिएट करने का होगा, उसका जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।